ये वो पठान है जिन्होंने एक दौर में अफगानिस्तान में रूस की गरूर को खाक में रोंदा था, फिर अमेरिका के गरूर को खाक में रोंदा था। ये वो पठान है जिसने 1948 में आजाद कश्मीर को आजाद करवा के कायदे आजम को तोहफा दिया था। मैं इनको गद्दार नहीं कह सकता। हेलो जी, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं पठानों की टिकटॉक वीडियोस। काफी दिनों बाद लेकिन फिर से पठानों की टिकटॉक वीडियोस देखेंगे कि उनका कल्चर, उनका एटीट्यूड, उनके सारी चीज़ें। मैं बहुत सारे पार्ट पहले भी बना चुका हूँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो वो भी देख सकते हो और इन्जॉय करते हैं इन टिकटॉक वीडियोस को। लेट्स स्टार्ट। ये पठान है, मुझे नहीं क्या घूर रही हो, पता नहीं है छह भाइयों का इकलौता बहन हूँ। नैना जी आज तो बड़ी सोनी लग रही हो। कोई सोनी नहीं लग रही, जा मड़ा। पंजाबी बोल रहा है उधर से, वो ड्रेसिंग बिल्कुल पठानों की होती है ये ओरिजिनली लुक्स। ब्यूटीफुल, खूबसूरत ड्रेसिंग। कैमरा देख के हट गई वो लड़की। अच्छा, ये पश्तून लोगों का होता है लड़कियां। अफगानी लोग दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में भी तो है ना पठान। पठान नाम नहीं मेरे जान, ब्रांड ब्रांड भाई ब्रांड। या ये वीडियो बहुत पुरानी है ना, असली पठान की है क्या? कहीं पर ये चाय वाय पी रहे थे। ब्यूटी इज पठाने गई। मासर अपना खबर जंग कवि जंग कवि सबे अकल दाजी नहीं ले व नहीं दले व नहीं सबे अकल दाजी नहीं ले व नहीं दले व नहीं। ये कौन है? ऐसा लग रहा है मूवी का सीन है, इंडियन मूवी का। वाओ, ये मोहल्ला, पुरानी इमारत। आई लव दिस टाइप ऑफ प्लेसेस जिनकी एक अलग कहानी होती है अपनी। क्या वाइब्स आ रही है भाई।
मैं क्या गा रहा हूँ? पठान से प्रैंक कर रहा है कोई, तरबूज तोड़ दिया, खा भी लिया। ये आपकी सरकार है, ये आप दिल, आप हमारे को राजा आदमी, आप हम क्या पैसा दो मार दिया। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। फौजियों से लड़ रहा है भाई, किससे लड़ रहा है? क्या बोला मुझे कमेंट में बताओ यार, क्या बोला है? ये वो पठान है जिन्होंने एक दौर में अफगानिस्तान में रूस की गरूर को खाक में रोंदा था, फिर अमेरिका के गरूर को खाक में रोंदा था। ये वो पठान है जिसने 1948 में आजाद कश्मीर को आजाद करवा के कायदे आजम को तोहफा दिया था। मैं इनको गद्दार नहीं कह सकता सर। क्या हिस्ट्री है भाई इनकी। उन्होंने कहा पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ी। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने आगे बढ़कर कहा था कि अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा देगी तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली सीने पर खाई थी। बाबा भाई साहब क्या बात है यार, क्या हिस्ट्री रही है पठानों की। पीठ दिखा के नहीं भागते पठानों को। कभी नहीं लेना चाहिए। इतनी प्यारी क्यों है आप? हम पठान है। आपका बहुत शौक है, मैं खान साहब को चैलेंज करता हूँ, आप आज हमारी डीपीके में, फिर मैं देखूंगी पंजाब पुलिस और इस्लामा के देखूंगी ये कैसे हाथ लगाते हैं। इससे बेहतर गन चला सकता हूँ, इससे बेहतर गन बना सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से मैं कहता हूँ आओ मैं के बीके में आपको मैं कैसे करने, आपने हमारे ऊपर कैसे आपने शिलिंग करना। ये सवाल तो मैं खान साहब से करना चाहता था लेकिन आप भी हमारे लिए खान साहब ही है। शिवली भाई जिस तरह इन लोगों ने हम पे जुल्म किया है, बीइंग अ पठान, हमने तो इसको किसी सूरत भी माफ नहीं करना। हमने जहाँ पर हमें मौका मिलेगा पठानों को खास करके इनकी चमड़ी हम उतारेंगे। किससे डर लगता है, अदाओं से या सजाओं से? वो पठान ने उनका तो डर नहीं, अदाओं से। मुराद सईद किसे कहते हैं, मुराद सईद या शाह महमूद कुरैशी? नौजवानी तब्दीली लाएंगे तो मुराद सईद होगा। मुराद सईद ये तो ये फैसला करेंगे तब्दीली किसे कहते हैं। मुराद सईद क्या कह रहे हो तुम जल्दी? मैं बार बार पठानों के लिए एक जुमला कहता हूँ कि एक अल्लाह ने इंसान पैदा किया, दूसरा पठान पैदा किया। सबसे बढ़िया डायलॉग लगता है यार, एक इंसान होता है एक पठान होता है भाई, दो चीजें होती है। कहाँ का प्रोग्राम है? कल्चर डे का है क्या? What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अच्छा PTI का झंडा है इसके सर पे, वो पगड़ी जो थी। All right, तो ये थे
पठानों के टिकटॉक वीडियोस एंड बहुत अमेजिंग थे, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट कल्चरल ड्रेसेस देखी इसके अंदर हमने, एटीट्यूड देखा एंड वो एक कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर हार्ट जिसके आर पार आप देख सको कि जो अंदर है वही बाहर नज़र आ रहा है, वैसा कुछ दिल रखने वाले पठान भी होते हैं। जैसा इमरान खान ने कहा कि भाई दो कौमें होती, दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इंसान और एक पठान, दो लोगों को पैदा किया है। इसका मतलब समझते हो आप, पठान मतलब एक अलग ही दुनिया की कौम जो इस दुनिया में रह रहे हैं, एक इंसान रह रहे हैं एक पठान रह रहे हैं भाई। दो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, खूबसूरती लेडीज़ में, माइंड ब्लोइंग अमेजिंग नेक्स्ट लेवल नेचुरल, आप जितनी भी तारीफ़ करें वो कम, और मर्दों में दूसरी जगह हैंडसम तो होते ही होते हैं, आँखें अलग रंग अलग, लेकिन थोड़े से ख़तरनाक टाइप का उनका उनके लुक्स होते हैं, वो ख़तरनाक और खूबसूरत खूबसूरती लड़कियों में, तो ये दो चीज़ें पठानों के अंदर होती हैं, पठानी पश्तून लोगों में। ऐसे वीडियोज़ देखने और भेजने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टेक्ट करो। बाय, टेक केयर।